विगत 24 घंटों में संक्रमण के 769 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 1179 है। एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या इस समय 12,858 है। इन 12,858 एक्टिव केसेस में से 5,269 होम आइसोलेशन में हैं, 1,321 निजी अस्पतालों में हैं और बाकी के सभी मरीज सरकारी L1, L2, L3 की व्यवस्था में निशुल्क भर्ती होकर इलाज करवा रहे हैं। अब तक जो लोग संक्रमण के पश्चात डिस्चार्ज हुए हैं उनकी संख्या अब बढ़कर के 5,66,910 हो गई है और इस समय प्रदेश के रिकवरी का प्रतिशत अब 96.39% है, 96.39%। संक्रमित लोगों में से अब तक 8,403 लोगों की मृत्यु हुई है और केस फैटलिटी रेट अभी भी 1.43 से थोड़ा कम चल रहा है, 1.428। कल प्रदेश में 1,31,890 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 2,43,48,477 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कल 2 जनवरी को ई संजीवनी पोर्टल पर प्रदेश के 4,649 लोगों ने टेली कंसल्टेशन किया। घर बैठे ही उन्होंने डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त किया और अब तक कुल 3,45,123 लोग इस संक्रमण काल में ई संजीवनी पोर्टल का उपयोग कर चुके हैं और ई संजीवनी का उपयोग करते हुए उन्होंने घर बैठे ही डॉक्टरों की राय प्राप्त की है। सर्विलांस के कार्य के अंतर्गत अब तक 1,80,567 इलाकों में 5,01,724 टीम दिवस के माध्यम से 3,10,56,949 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,10,41,445 है। यह कार्य सर्विलांस का निरंतर हो रहा है ताकि हम जिनमें भी संक्रमण की कोई आशंका हो उन्हें हम अति शीघ्र ढूंढ करके और उनकी हम जांच करवा सकें और जांच के पश्चात यदि संक्रमित पाए जाते हैं तो उन्हें हम आइसोलेट कर सकें, उन्हें हम अलग कर सकें, चाहे वो होम आइसोलेशन में जाएं या अस्पताल में आइसोलेट हों, उनको हम अलग कर सकें। जो भी संक्रमित व्यक्ति होता है उसे अलग करना ही संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने का उपाय है। संक्रमित व्यक्ति ही दूसरों को संक्रमित करता है और किसी प्रकार से ये संक्रमण नहीं आता। कोविड का एक संक्रमित व्यक्ति से ही दूसरे में संक्रमण जाता है, तो इसलिए यदि संक्रमित व्यक्ति की पहचान जल्दी कर ली जाए और उसे बाकी लोगों से, अन्य लोगों से उसे अलग कर दिया जाए तो संक्रमण नहीं फैलता, संक्रमण की श्रृंखला वहीं टूट जाती है और इसी कार्य के लिए लगातार सर्विलांस किया जाता है। आप अवगत हैं कि आज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने, जो कि वैक्सीन के रेगुलेटर हैं, उन्होंने वैक्सीन को अपनी मंजूरी दे दी है। 2 वैक्सीन को उन्होंने मंजूरी दी है और अब इसके पश्चात, कुछ समय के पश्चात वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ होगा। इसके लिए हमारी सारी तैयारियां निरंतर चल रही हैं और कल यानी परसों 5 जनवरी को हम पूरे प्रदेश में एक ड्राई रन करवा रहे हैं वैक्सीनेशन का, जिसमें कि जैसा मैंने आपको बताया है कि हर जनपद में, हर जिले में 6-6 स्थान पर, 3 शहरी और 3 ग्रामीण स्थल पर ड्राई रन करके ये देखा जाएगा कि जो वैक्सीनेशन का कार्य होना है उसमें क्या व्यवस्थाएं होनी है, उसका जायजा हम लेंगे परसों
पूरे प्रदेश में, ताकि अगर कोई भी उसमें हमें दिखाई पड़ता है कि कोई और सुधार की आवश्यकता है तो सुधार किया जा सके, इसके पूर्व की वास्तविक वैक्सीनेशन स्टार्ट हो, शुरू हो। तो वो भी अब वैक्सीन के अप्रूवल के बाद, ऐसा ये अब अवश्यंभावी है कि बहुत जल्दी ही वह कार्य भी प्रारंभ होगा, उसकी हम लगातार तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सावधानी लगातार बनाए रखनी है, क्योंकि संक्रमण कम हुआ, समाप्त नहीं हुआ, अभी संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है। और आपने ये भी सुना कि एक दूसरा स्ट्रेन भी यूके से आया, जिसको कि हमने, उस पर भी हमने सावधानी बरती और बहुत लोगों को हमने, जो भी यूके से आए थे, सबों को हमने उनकी टेस्टिंग की, उनके उनकी जांच पड़ताल करवाई। कुल मिलाकर के हमें उसमें से 12 लोग पॉजिटिव मिले, लेकिन जब उनकी जीन सिक्वेंसिंग कराई गई तो केवल 2 ही लोग हमको ऐसे मिले जिनमें वो नया स्ट्रेन है, नया वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है। और उनके भी जो भी कॉन्टैक्ट हैं, सबकी जांच पड़ताल करवाकर कंटेनमेंट का कार्य बहुत जोर शोर से चल रहा है, ताकि किसी प्रकार का भी संक्रमण का प्रसार न होने पाए। तो चूंकि संक्रमण अभी भी है, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। और जब वैक्सीन अभी अप्रूव हुई है, जब आएगी, लगेगी, तो उसमें भी समय लगेगा, वैक्सीन लगने में भी, आप तक पहुंचने में समय लगेगा। तो अभी लगातार सावधानी बनाए रखना है। और विशेष करके जो ये शीतकाल है, जब जाड़े का बहुत, इस समय बहुत तेज ठंड पड़ रही है, ऐसे में सांस की समस्या लोगों को होती है, और समस्याएं जिनको पहले से होती हैं उनकी समस्याएं बढ़ती भी हैं। तो इस समय बहुत ज्यादा सावधानी हमें बरतना है, ताकि किसी प्रकार का भी किसी को संक्रमण न हो। और विशेष ध्यान रखिए अपने बुजुर्गों का, छोटे बच्चों का, गर्भवती महिलाओं का, और जो पहले से बीमार या कमजोर व्यक्ति हैं। अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहिए, अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से, और लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखिए। ये जो आदत है, ये आपको कई अन्य बीमारियों से भी बचाती है, जैसे कि H1N1 आदि जो बीमारियां होती हैं, जिसको स्वाइन फ्लू कहते हैं, उससे भी आपको ये जो तरीके हैं मुंह और नाक ढकने के और हाथ धोने के और लोगों से दूरी बनाने के, उस बीमारी से भी आपका बचाव होता है। ट्यूबरक्लोसिस से भी बचेंगे। तो इसलिए ये जो आदतें हैं, जो आपने अपनाया है, ये अच्छी आदतें हैं, जिससे और बीमारियों से भी बचाव होता है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। कोई भी दुविधा हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-181-45 पर फोन करिए और हमारे विशेषज्ञों की राय प्राप्त करिए। सावधान सतर्क रहकर आप संक्रमण मुक्त रख सकते हैं और दूसरों को भी संक्रमण से बचाए रह सकते हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए।